हेलो स्टूडेंट, तो आम ऑलरेडी आज गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा पॉलिटीर। तो स्टार्ट करने पूर्व मुझे काली मुझे प्रोब्लेम सकाश मुझे वीडियो अपलोड कर पार नी तो आज आज ही सब तो काली वीडियो आज वीडियो को आज ही अपलोड करदेवि। तो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हूँ पॉलिटी आज पे। तो आज चैप्टर हूँ यूनियन एंड टेरिटरी। तो आम ऑलरेडी पढ़ी सारे बोर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौट कौन सब बोर्ड होता सहित आम पढ़ी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा केमती तैयारी फास्ट प्रेसिडेंट किए थे कौन सब रूल थी जे फास्ट कौ कौ कमिटी थी आमर यूनियन कमिटी जो थी तार हेड किए थी डिस्कशन करे जो बारोटी शेड्यूल्ड थी शेड्यूल्ड वन रू ट्वेल्व पर्यंत सिक्वेन्स वाइज या मन रखीचे। तो बर्तमान ठूँ आम स्टार्ट करे आर्टिकल आज जो क्लास स्टार्ट हो आर्टिकल आ प्रत्येक पार्ट को मुझे गोटे लेखा स्टेप वीडियो बनेबी। तो आज हूँ पार्ट वन रो पार्ट वाटा आर्टिकल एक रु आर्टिकल चार पर्यटन रोक नेक्स्ट जो वीडियो आसो सिटीजनशिप रापर जो वीडियो आसो फंडामेंटल राइट रापर डीपीएसपी एम फंडामेंटल ड्यूटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एमती है हाराहारी ट्वेंटी पाखापाखी वीडियो आसो से ट्वेंटी वीडियो भितर सबूतक मुझे कवरअप करी। ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज द यूनियन एंड टेरिटरी। तो फास्ट मुझे कह चाहे बोले ओके। तो आज फास्ट चैप्टर नंबर हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो रहा एटा को पार्ट अंडर ना पार्ट वन अंडर आस मन रख पार्ट वन टा था आमर कौन आसला ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एटा कौ आर्टिकल रु कौ आर्टिकल भितर आसूसी ना आर्टिकल एक रु आर्टिकल चार भितर आसूसी बहुत इंपोर्टेंट मायने रखे। तो आमको आर्टिकल वाइज मन रखा पड़ो बहुत इजी वे तुमको बुझेदेवी आउ समस्त जिनस लक्ष्मीकांत पॉइंट वाइज ही लक्ष्मीकांत अंडर जो सर्ट नोट कराई। देख आर्टिकल एक रे कौन लिखाई आर्टिकल एक लिखाई इंडिया इज भारत ताले इंडिया को आम भारत बोली कहीपर इंडिया दैट इज भारत। तो ये जिनस कहार कारण कौन थी जिते बड़े उन्नीस सौ सड़चा मसीह देश स्वाधीन होगापर आमर जो कन्स्टिट्यूशन तैयारी चलला कन्स्टिट्यूशन फर्मेसन हो चलला जहाँ भी कि चलला तो से दुईट कंडीशन आसला भारत पर किसी लोक कहले आम देश इंडिया रखा किसी लोक कहले आम देश भारत रखा। तो से आम कन्स्टिट्यूशन ये जिनस कहगला जो आम देश इंडिया र आम देश भारत रही इंडिया दैट इज भारत ता माने आम देश को आम भारत बोली कहीपर आम देश को इंडिया बोली कहीपर आ अंडर दुईट इंपोर्टेंट जिनस आ देख। तो इतने कहला टेरिटोरी ऑफ द स्टेट यूनियन ऑफ द स्टेट टेरिटोरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम ऑफ ता तो से कहूँ देखो ये दुईट जिनस को मन रख बाकी जिनस मन रखा दरकार नहीं। देखो टेरिटोरी ऑफ इंडिया कहले कौन बुझा जिते बड़े गोटे कंट्री सहित जिते बड़े आम स्टेट प्लस यूनियन टेरिटोरी को मिसेक कौन जिनस टेरिटोरी ऑफ इंडिया कह खाली मुझे यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया अर्थ पीले ओनली स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया जो मुझे कहि केवल स्टेट को ही इंडिकेट कर टेरिटोरी ऑफ इंडिया मुझे कहि से स्टेट सहित यूनियन टेरी सहित टेरिटोरी को आम गोटे जिन मन रखा पीले आर्टिकल एक हूँ इंडिया दैट इज भारत आम इंडिया को भारत बोली कहीपर एवं ये गोटे जिनस मन रखिले आर्टिकल दुई आर्टिकल दुई आमको कौन कहला पीले आर्टिकल दुई आमको कहला कौन ना आम पार्लियामेंट पाखे से पावर अच्छी आम कौन नुआ स्टेट कुणसी नुआ यूनियन टेरिटोरी को आम भारत सहित आम आड कर बुझा पड़ी जदि आम इंडिया मानचित्र को रख जाए इंडिया सहित आम कौन नुआ स्टेट को किसी नुआ यूनियन टेरिटोरी को आम आड करने आम कौ आर्टिकल रहा दरकार ना आर्टिकल दुई सपोज बर्तमान मुझे कह बलुचिस्तान बलुचिस्तान हो गिलगिट हो ये सपोज जदि भारत सहित मिसेक चाहिए बा भारत ताको आम सहित मिसेब तेल आम कौ आर्टिकल अंडर में मिसेवा ना आर्टिकल दुई अंडर में मिसेवा सपोज कौन से गोटे आयरलैंड अच्छी से आयरलैंड भारत लोक मैंने रोचान कि क्या अंडर ना भारत ताको मिसेक चाहिए एटा कौ आर्टिकल अंडर में मिसेब ना आर्टिकल दुई अंडर में मिसेब। तो आर्टिकल वन कहला कौन इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल टू कहला जदि आम भारत कौन नुआ स्टेट
किंबा किछि नुवा यूनियन टेरिटोरी को भारत सहित मिसिया को चाहूची ताहले आमे को आर्टिकल को अंडर तक रखि परबा आर्टिकल 2 अंडर सपोज मु कहली गोवा जेतेबेले गोवा भारत सहित मिसि नथिला सेते से पुर्तगाल अंडर थिला तो सेतेबेले आमे गोवा को भारत सहित मिसेले तो एटा को आर्टिकल रे सहाय नै आइथिला आर्टिकल 2 ताले आर्टिकल 1 कोची इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 2 होची ना आर्टिकल 2 हेला कोनोसी न्यू स्टेट किंबा न्यू यूनियन टेरिटोरी को आम सहित आड करी परिबा एति किछ बुझा पड़ी ना डाउट रहला एबे जीबा आर्टिकल 3 बहुत इंपोर्टेंट रखिपिले ए आर्टिकल 3 उपरे बहुत थरा आम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे देखो इंटरनल रीअडजस्टमेंट खाली ए गोटे पॉइंट को मन रखिबो मु तुमको सहज रे बुझे दउ छी आराम से तुमको बुझिबो जदि इंटरनल रीअडजस्टमेंट रो अर्थ कोन जदि आमरो भारत भितरे कोनोसी इंटर स्टेट भितरे बाउंड्री रिलेटेड किछि प्रॉब्लम हो बा कोनोसी यूनियन टेरिटोरी रो बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम हो बा इंटर स्टेट भितरे बा भारत भितरे जदि किछि बाउंड्री रिलेटेड रे किछि प्रॉब्लम आसिला बा भारत सपोज आम ओडिसा आ आंध्र भितरे एबे डिस्प्यूट चली छि किछि प्रॉब्लम चली सपोज मु कहली ओडिसा इट रहला सपोज आंध्र इट रहला तो एमानक बाउंड्री रिलेटेड जो प्रॉब्लम बा एमानक बाउंड्री को रिलेटेड जो प्रॉब्लम अछि तो ये सब जिंस कहाँ अंडर आसी आर्टिकल केते आसी ना 3 अंडर आसी एठी गोटे जिंस मु कहियो जाउ छी पिले जदि यूनियन टेरिटोरी रे किसी चेंजेस करिवो आम गवर्नमेंट तो इठी गवर्नमेंट को कहार आवश्यकता नाही सपोज मु एबे जम्मू एंड काश्मीर बा लद्दाख को चेंज करली तो इठी कहार परमिशन मते दरकार पइलानी तो इठी मु ताको बाउंड्री को मो पार्लियामेंट रे डिसाइड करी मु तयार करली किंतु जदि कोनोसी स्टेट रे जदि कोनोसी स्टेट रो बाउंड्री को हमें चेंज करियो चाहिबा हमकु पार्लियामेंट रो सहाय्य सहित लेजिस्लेटिव असेंबली रे आवश्यकता अछि लेजिस्लेटिव असेंबली कोन एटा ऑलरेडी मु तुमको आगु पढेबी गोटे स्टेट रे दीटा हाउस थाय गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब स्टेट रे थाय किंतु किछि स्टेट अछि जो थरे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थाय तले मन रखिबा आमे जदि कोनोसी इंटर स्टेट रो बाउंड्री को चेंजेस करिबा बा बाउंड्री रिलेटेड किछि प्रॉब्लम डिस्प्यूट थिबो तो ताको आमे करिया पे हेले कोन करिबा आर्टिकल 3 रो सहायता नबा किंतु स्टेट रे जदि स्टेट रे किछि प्रॉब्लम थिबो लेजिस्लेटिव असेंबली रो आवश्यकता अछि जदि किसी यूनियन टेरिटोरी किसी सपोज मुझे दिल्ली को बड़ करा चाहिए दिल्ली को छोट कर चाहिए तो ये दिल्ली सरकार कौन से आवश्यकता नहीं डायरेक्ट पार्लियामेंट जो डिसाइड करा हूँ आंसर ये गोटे जिनस मुझे चाहिए बोले मन रख टे गोटे जिनस सपोज आम आर्टिकल जो पढ़ी थे गोटे अच्छी 370 आर्टिकल 35 ए दुईटा जिनस जम्मू एंड काश्मीर रिलेटेड अच्छे तो ये मुझे जिनस कहीं कहक चाहिए बोले मन रख जितेबले आम कॉन्स्टिट्यूशन ए जिनस लिखा जाइछि जदि आमे कोनोसी स्टेट किंबा कोनोसी यूनियन टेरिटोरी रे किछि चेंजेस करिबा सिठी आमको कोनोसी अमेंडमेंटर आवश्यकता नै एटा फर्स्ट मन रख जदि कोनोसी स्टेट किंबा कोनोसी यूनियन टेरिटोरी रो बाउंड्री को लेके चेंजेस करिवार थिबो कोनोसी अमेंडमेंटर आवश्यकता नै इटे गोटे शब्द आसिला अमेंडमेंट तो पिले तो माइंड रे क्वेश्चन आसो सर अमेंडमेंट कौन देखो अमेंडमेंट होची कोनोसी आर्टिकल को चेंज करिबा बा कोनोसी रूल को परिवर्तन करिबा बा कोनोसी रूल को चेंज कर किछ नुवा रूल करिबा बा कोनोसी रूल आर्टिकल को डिलीट करिबा ताको आज अमेंडमेंट अमेंडमेंट पई तुमको लोकसभा आ राज्यसभा रे दीटा हाउस रे से बिल को पास करिया को पड़ता है एटा को मु आगु को पढ़े खाली एति मन को अमेंडमेंट मीन्स संशोधन कौन से जिनस को चेंज करिया को किंतु एठी गोटे जिनस मन रख जेतेबले आर्टिकल 370 आ आर्टिकल 35 ए को आम चेंज करथिले बा आम जम्मू एंड काश्मीर हटेले कौन से अमेंडमेंटर आवश्यक पड़ नाला तुम कह सर कहीं पड़ नाला देख ये कह जा तुमको कहीं जिनस कहपाई कौच आर्टिकल 4 को बेस कर आर्टिकल 4 कौन कह देख आर्टिकल 4 कहि एनी चेंजेस आर्टिकल 2 एंड 3 गोटे सेकेंड कौन कहला एनी चेंजेस आर्टिकल 2 आउ आर्टिकल 3 दैट नॉट बी कंसीडर एज
amendment in the constitution under article 368 bahut important rakhe article 368 hochi amendment article jothre jaha bi kichi amendment hue tari under hue se kon kahila jodi article 2 aur 3 re article 2 kon thila 2 thila jodi konosi nua state ko ama sodo miseiba article 3 re kon thila इंटर स्टेट डिस्प्यूट को समाधान करवा जो कौन से कह बाउंड्री को जहाँ भी हो ये दुटा जिनस किसी परिवर्तन करुचे तो आमको कौन से अमेंडमेंट आवश्यकता ना कौन से अमेंडमेंट पार्लियामेंट जो डिसाइड कर आंसर हम से आर्टिकल 370 आगे हूँ आर्टिकल 35 ए जो दुटा जिनस डिलीट होना कौन कराई ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गोटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पार्लियामेंट पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास ताको चेंज कर दिया कहीं जदि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर न चेंज कर अमेंडमेंट थ्रू रे नहीं था बहुत सारा अपोजिशन आसता ना आपको आम बंद करवानी ये जमी अच्छी सेमती अच्छी तार्थ आम आर्टिकल 370 आ 35 ए हटि पारि न था बस एत सारा मन रखा दरकार नहीं पूरा सर्टकट आउ थे तुमको मुझे आम तीन टा आर्टिकल पार्ट वन तीनोटी आर्टिकल आसूरी चार्टी आसूँ एक रोच इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल दुई रे आसूँ कौन सी न्यू स्टेट को आम जो या कौन सी यूनियन टेरिटरी को आम सहित आड करवा जमी एक्जामपल दू जो बलुचिस्तान आम सहित आसव कि गिलगिट आम सहित मिसो तो यह सब क्या आर्टिकल अंडर आसवे आर्टिकल दुई अंडर आसवे आर्टिकल तीन देखिए कौन पे ना आर्टिकल तीन कहला जो इंटरस्टेट जो आम भारत भितर जहाँ सब स्टेट रिलेटेड किसी चेंजेस हो यूनियन टेरिटरी हो आर्टिकल तीन जदि यूनियन टेरिटरी रिलेटेड आम किसी चेंज करवा तो कह आवश्यकता ना सीधा पार्लियामेंट कर आउ जदि स्टेट किसी परिवर्तन करवा आमको लेजिस्लेटिव असेंबली परमिशन दरकार हुए यहाँ आर्टिकल तीन तो आर्टिकल चार कौन पे ना आर्टिकल चार हूँ जदि दुई किंबा तीन रे जहाँ परिवर्तन घटव सी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 अंडर को जीवो ना अमेंडमेंट आर्टिकल 368 अंडर को जीवो ना यहाँ कौ आर्टिकल कहुई ना आर्टिकल चार कहुई तार्थ आम यह शिखिले जदि दुई आउ तीन अंडर जहाँ भी किसी हम विदाउट अमेंडमेंट हम ए चार्टा आर्टिकल क्लीयर है मुझे भावुँ तुम मैं यहाँ क्लीयर हो कहीं आउपर ही क्वेश्चन आसूँ ऑफिस रे देख एबे आसला नुआ जिनछटे तो एयाकु नेके गोटे डिस्प्यूट अछि जे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश ए क्वेश्चन मते रिपीट करि सछि ओपीसी जे कि 100तम अमेंडमेंट को मसिया ना 2005 मसिया ये गोटे लंबा स्टोरी टे भारत आउ बांग्लादेश रिलेटेड रे बहुत सारा थर बहुत थर प्रोब्लेम क्रिएट हुए तो बाउंड्री को नहीं तो ये गोटे शेषे गोटे अमेंडमेंट आसला 100तम अमेंडमेंट जे कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश 2015 मसिया तापर ही सबकि समाधान है खाली मन रखी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश को अमेंडमेंट 100तम अमेंडमेंट को मसिया 2015 बुझा पड़ा तो ये गोटे इंटरेस्टिंग जिनस आसूँ पिले जितेबले आम कन्स्टिट्यूशन तैयारी होता जितेबले आमर सब रूल और रेगुलेशन या तो सीधा स्टेट यापाई आम फिर स्टेट को डिवाइड करिया ना नहीं धर ओडिशा आज अलग अच्छी यूपी अलग अच्छी पंजाब अलग अच्छी आंध्र प्रदेश अलग तो समस्त अलग अलग ही अच्छा तो यहाँ केमी अलग करवा यहाँ था सब काठिकर पाठ से गोटे कमिटी या धर कमिटी से कमिटी कौन थी धर कमिटी धर कमिटर हेड थे एसके धर धर कमिटर हेड किए हेले एसके धर मन रखे जो एसके धर थे कहुला जे जे कौटा कहल जून 1948 रे से कमिट को तैयारी या कहला लिंग्विस्टिक प्रोविजन यहाँ मन रख जदि लिंग्विस्टिक प्रोविजन को लेकर किसी कमिटी तैयारी होता है सी धर कमिटी यहाँ क्वेश्चन आसब लेखिक रख ता माने कौन केमी आम लांगुएज को लेकर स्टेट को अलग करमी ओडिशा जो ओडिया लांगुएज अच्छी जमी पंजाब पंजाबी लांगुएज अच्छी जमी आंध्र प्रदेश तार भी गोटे लांगुएज अच्छी तेलंगाना तार भी गोटे लांगुएज अच्छी तो एमती लांगुएज को लेकर आम केमी स्टेट को अलग करें कमिटी गठन होता के जून मस 1948 रिपोर्ट दे के आम डिसेम्बर 1948 आ रिपोर्ट कहले
ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ନ କରିବାଟା ବେଟର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବବାଲ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅଲଗା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ତିଆରି କଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଜେଭିବି କମିଟି ତାର ଜେଭିବି ଜେ ର ଅର୍ଥ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭି ଅର୍ଥ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତାପ ସୀତାରମୟା ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେଲା ଜେଭିବି କମିଟି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି 1948 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଲା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା 1949 ମସିହାରେ ସେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଡିସମିସ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବେସିସ୍ ସେ କହିଲା ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବୁନି ଏ ବେସିସ୍ଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ କେବେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୋଟି POTTI ଯିଏକି 56 ଡେଜ୍ରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ସେ କହିଲା ନା ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅଲଗା କରାଯାଉ ତ ଏଇ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏ ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ବବାଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 1953 ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରଖେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା କମିଟି ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଥିଲା ଧର କମିଟି ଧର କମିଟିର ହେଡ୍ ଥିଲା ହେଉଛି କିଏ ସେ ଏସ୍କେ ଧର ଯିଏକି 1948 ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋଭିଜନ ହିସାବରେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ କେମିତି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମିଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଆକୁ ରଖିବା ନା ବନ୍ଦ କରିବା ଜେଭିବି କମିଟି ଜେଭିପି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆଉ ପ୍ରତାପ ସୀତାରମୟା ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଲା 1948 ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଲେ 1949 ମସିହାରେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନା ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ପୋଟି ସେ କ'ଣ କଲେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ 56 ତାପରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ତ ସିନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ କରାଗଲା ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେଲା ସେ କମିଟିର ନାଁ ଥିଲା ଫଜଲ ଅଲି କମିଟି କମିଟି ହେଲା କ'ଣ ଫଜଲ ଅଲି କମିଟି କମିଟିର ନାଁ ହେଲା ଫଜଲ ଅଲି କମିଟି ଯିଏକି 1953 ମସିହା ବା 1953 କମିଟି ତିଆରି ହେଲା 1955 ସେ ତା ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଲା ଏ କମିଟିରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଜଲ ଅଲି ଏ କେ ଏମ୍ ପାନିକର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଏଚ୍ ଏନ୍ କୁଞ୍ଜୁର ତ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଲଜିକାଲି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ ଦେଖ ଫଜଲ ଅଲି ଅଲରେଡ଼ି ନାଁ ମନେ ହେଇଯିବ କେ ଏମ୍ ପାନିକର ମାନେ ଫଜଲ ଅଲିଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର ପାନିକର ମାନେ ଲଜିକାଲି କେମିତି କହୁଛି କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ନାଁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଫଜଲ ଅଲି ପାନିକର ଥିଲା ପାଣି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା କୁଞ୍ଜୁର ତ କୂଅ ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖ କୂଅ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢି ଫଜଲ ଅଲିଙ୍କୁ ଦିଅ ତାହେଲେ ଫଜଲ ଅଲି ପାଣି କାଢିବା ପାନିକର କୋଉଠୁ ପାଣି କର ନା କୂଅରୁ କୁଞ୍ଜୁର ତ ଲଜିକାଲି ମନେ ହେଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତ ପାନିକର କୁଞ୍ଜୁର ଆଉ ଲେଖିଛି ଫଜଲ ଅଲି ତ ସେ କମିଟିର ନାଁ ଥିଲା ଫଜଲ ଅଲି କମିଟି ଯିଏକି କହିଲା ନା କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିବାନି ଆଉ ତାହେଲେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଅଲଗା କରିବା ନା ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ବେସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଇଟା ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖିଦେଇଛି କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଏମିତି ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ ଏ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଏ 6 ପଏଣ୍ଟରେ ତମକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କେବେ ଅଲଗା ହେଇଛି ବା କେଉଁ ମସିହା ଦରକାର ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିବୁ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରୀ କେତେଟା ଆର୍ଟିକିଲ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ 1-4 ଆର୍ଟିକିଲ 1 କ'ଣ କହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରତ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆର୍ଟିକିଲ 2 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆର୍ଟିକିଲ 2 ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବା ଆର୍ଟିକିଲ 3 ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥାଏ କୌଣସି ଅଲଗା କରିବାର ଥିବ କାହାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଆର୍ଟିକିଲ 3
आर्टिकल चार कौन कहला दुई आन जहाँ परिवर्तन हम से केबे भी अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 अंडर को आसिबो नहीं ता परे परे स्टेट को अलग करिया पई तीनोटी कमिटी हेतला प्रथम होची धर कमिटी 1948 मसीह एसके धर लिंग्विस्टिक प्रोविजन रे आउ गोटे कमिटी हेला जेबीपी कमिटी तीन जन व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पिता भी समाज आसला कौन जेबीपी सीतारामया पिता भी सीतारामया हाँ जेबीपी कमिटी 1948 शेष होगा 1949 मसीह से समय गोटे मानने प्रोब्लेम क्रिएट होता जहाँ पोर्टेबिली जन व्यक्ति कांग्रेस लीडर से 56 डे हंगर स्ट्राइक करते आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश बिकेम द फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट डिक्लेयर करागला 1 अक्टोबर 1953 अगेन आउ गोटे कमिटी आसला फजल अली कमिटी जे कि अगस्त 1953 रु अक्टोबर 1955 पर्यंत रहले तीन जन व्यक्ति हेले लॉजिकल तुमको बतेदेली कि मन रखे कूर पानी काढ़ी फजल अली को दि पानीकर कुंजुर कह तो ये चारिटा पॉइंट को से बेस करके तैयारी कले तो ये गोटे प्रोब्लेम आसला तो कौन प्रोब्लेम थी ये सीना आर्टिकल 1, 2, 3, 4 होगा तो आर्टिकल 2 कहला आम जदि नुआ को मिसेवा से गोटे क्वेश्चन उठला जदि भारत कौन सी जगह जदि अगर कहीं नहींब बा भारत जी कौन सी जगह आउ का सहित मिसब तक कौन हम कहीं जिनस होता से समय गोटे डिस्प्यूट आसला जहाँ कह जाए बुरुबारी गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी बुरुबारी नाम गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी से डिस्ट्रिक्ट नहीं कर प्रोब्लेम है कहीं ना ईस्ट पाकिस्तान किसी अंश भारत थिला आउ किसी अंश ईस्ट पाकिस्तान थिला तो ईस्ट पाकिस्तान कहला मत आपको मो सहित मिसेई दि से जो गवर्नमेंट थे सी सहजे भी राजी होगा हाँ ठीक अच्छे नहीं जाओ तो से गोटे प्रोब्लेम है तो कहीं मिसेवा तो से मैंने सुप्रीम कोर्ट को केस गला सुप्रीम कोर्ट से कहला जदि भारत कौन सी जिनस को मिसाइवा चाहे तुमको आमेडमेंट रवश्यकता अच्छी किंतु भारत सहित भारत इला भारत सपोज मुझे फिगरटा बहुत भल कर चलो तो भारत सहित जब अगर कहीं मिसब तो ये आमेडमेंट रवश्यकता ना किंतु भारत रु जदि आउ किए जाए क्या सहित मिसब ती आमेंडमेंट रवश्यकता अच्छी ताले जो बुरुबारी गोटे डिस्ट्रिक्ट थिला ईस्ट पाकिस्तान सहित तो मिसी थिला एटा केबे मिसला 9 अक्टोबर 1960 रे मिसला हला तो खाली मन रखियो 1960 मसीह रे ए बुरुबारी डिस्ट्रिक्ट जाई मिसला हां 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 9th अक्टोबर नै जेडा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 मसीह रे ये जे भारत सहित मिसला देखो किए अन्य को स्टेट को भारत सहित मिसिया पई चाहे किंतु सेतो गवर्नमेंट एत उदारवादी गवर्नमेंट थी जे भारत जोटा कि चाहते भारत से रही पारिता कि पाकिस्तान को देते तो से घटना थी किंतु एटा बहुत भूल जिनस जोटा कि से गवर्नमेंट आपको डिसाइड कर भारत जिनस को क्या दबाटा केवे के निज जिन क्या दब जिते जिया कहले कि गवर्नमेंट कौन करा भारत गोटे जगह को सी पाकिस्तान को देता जोटा भी न देते भी संपूर्ण आम हिसाब से था मन रखे से जिनसा हूँ कौन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 1960 मसीह गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी बुरुबारी डिस्ट्रिक्टा जे कि ईस्ट पाकिस्तान सहित मिसाला तो बुझा पड़ा मुझे कौन कह आज क्लास थी आज क्लास में डिस्कसन कले आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जे कि ओपीएससी एएसओ बा पीसीएस बहुत ही आवश्यकता तुम्हें अच्छी जो क्लास को भल लगुच ये क्लास तुमको पसंद लगुच डेफिनेटली मो सहित रो लाइक कर आउ शेयर कर आउ सांग पहुँचाओ तो गोटे जिनस मुझे चाहिए किसी पिला डिमांड अच्छी किसी पेड क्लास करूँ किसी एक्स्ट्रा क्लास करूँ सबुदिन फिलहाल मो कथे बर्तमान टाइम ना कि डिसाइड कर फेब्रुआरी 20 गोटे छोटो पेड कोर्स रिलेटेड गोटे क्लास को स्टार्ट करा चाहूँगी बहुत कम प्राइस बहुत ही कम मानने बहुत ही कम प्राइस जे कि 2 मंथ क्लास रहिबो 60 दिन क्लास जो गोटा कि रात्रि क्लास हे रात्रि बोले राति
8:30 किंबा 8 o'clock रु भाबे अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जोटा कि समस्त पॉसिबल हो तो सेटा स्ट्रक्चर कौन है मुझे पर गोटे वीडियो को तुम बताई देबी केमिति कोन रहबो जो थे बहुत कम पिला को मुझे रखी बहुत कम पिला कहीं जो पिला रखी जमी मुझे पर्सनाली सहित इंट्रोडक्शन करयर नहीं पारि से गोटे छोट ग्रुप करी बहुत सारा पिला नेबी जो मैंने इंटरेस्ट थी डिसेम्बर 20 रु मत मेसेज कर कंटाक्ट कर बहुत कम पिला ब्याचटा आरंभ हो डिटेल स्ट्रक्चर रिलेटेड मुझे वीडियो तुमको अपलोड करदेवि थैंक यू। तो आज नेक्स्ट जो पॉलिटी क्लास आसो से पॉलिटी क्लास होची सिटीजनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट।